व्हाट इज अप दोस्तों, क्या हाल चाल है। दुनिया में फोनों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, पर अभी जो सेल वाला सीजन ऑफ हुआ उसमें हमें ऑलमोस्ट सभी प्राइस सेगमेंट पे दम एक से एक तगड़ा तगड़ा फोन देखने को मिला। दोस्तों 2020 अब खत्म होने वाली है, पर अगर हम 2020 की बात करें तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें मिली, जैसे सैमसंग का फोल्डिंग फ़ोन और एलजी का फ्लिप फ़ोन, कोरोना वायरस है। पर नई साल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम ओप्पो के एक एक्स सीरीज वाला फ़ोन देखने वाले हैं, जो कि एक अलग ही तरह के कॉन्सेप्ट या फिर डिज़ाइन बोल लो, या फिर एक अलग तरह का फीचर, या फिर पूरा मैथ वाला फॉर्मूला बता लो, क्योंकि मैं जिस तरह से मैथ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, उसी तरह से सेम ये फ़ोन भी आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस होते जा रही है कि कुछ टाइम पहले हमें मार्केट में जो सैमसंग का फ्लिप फ़ोन देखने को मिला, उसके बाद एक फोल्डिंग फ़ोन भी आया जो जेड फोल्ड करके उसका नाम है। मतलब कि इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि मतलब फ़ोनों के साथ ऐसे मस्त कुछ भी छिड़काव उड़काव करके नई नई चीज़ें क्रिएट करी जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के जो फ़ोन लॉन्च हुए फोल्डिंग फ़ोन या फिर फ्लिप फ़ोन वो उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है, क्योंकि सैमसंग का जो Z फोल्ड वाला फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल फ़ोन है। पर दोस्तों ओप्पो वाला भी कुछ नई चीज़ें ट्राई करने का कोशिश कर रहा है, एक ऐसा फ़ोन को लॉन्च करने का बात हुआ जा रहा है दोस्तों, जो पूरा ही एकदम रो लेवल डिस्प्ले पे कम्प्लीटली बेस्ड है। सुनने में तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती है, पर मेरे हिसाब से ये भी चीज़ पॉसिबल है। एक छोटा सा झलक देख लिया जाए दोस्तों, बस एक क्लिक पे ये फ़ोन अपने आप को एक बड़ी डिस्प्ले में कन्वर्ट कर देता है। आपकी फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि ये कैसे पॉसिबल है, पर ये भी पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि जब हम ऐसे छोटे बच्चे में एकदम छोटी चड्डी पहनकर घूमा करते थे, पर अब बड़ी हो जाने के बाद चड्डी नहीं पहना करते, नहीं मतलब पहना करते हैं पर दिखाया नहीं करते। सेम उसी तरह से जिस तरह से हम अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, उसी तरह से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है, क्योंकि जब फोल्डिंग फ़ोन नहीं आई हुई थी तो हम ऐसा सोचते थे कि ये सभी चीज़ इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, पर धीरे 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 टेक्नोलॉजी आते गई और हम धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते गए, और सेम उसी तरह का यही चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट ले करके ये जो ओप्पो का एक्स सीरीज वाला 2021 में आने वाला है जरूर ही आएगी, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब थोड़ी इसकी वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, कि जैसे जो सैमसंग का Z Fold 2 था वो एक फोल्डिंग फ़ोन है, क्योंकि उसमें एक फोल्डिंग डिस्प्ले लगा हुआ है, सेम उसी तरह से दोस्तों इसमें एक रोलेबल डिस्प्ले यूज़ किया गया है, और जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें थोड़ी मोड़ी बदल जाती है, क्योंकि जैसे ही आप एक बटन को क्लिक करते हो उसकी वजह से ये अपने डिस्प्ले को पूरी एक्सपेंड कर लेता है, और चाहे आप फिर उसमें कोई भी चीज़ें इंजॉय कर रहे हो, चाहे यूट्यूब में मस्त कोई सा वीडियो देख रहे हो, या फिर ट्विटर व्यूटर चला रहे हो, या फिर नई चीज़ें कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सेम वो अपने आप को इस तरह से एक्सपेंड करता है कि आपके जो कंटेंट, आप जो भी चीज़ें उसमें ट्राई कर रहे हो, उसमें वर्क करवा रहे हो, उसमें आपको कोई भी बिना दिक्कत आए हुए बहुत ही ज़्यादा आसानी से एकदम सॉफ्टली से ये अपने डिस्प्ले को एक्सपेंड कर लेता है। और इसलिए दोस्तों इस वाले फ़ोन का मुझे सबसे ज़्यादा वियर्ड पार्ट यही वाला लगा, क्योंकि आप मस्त ऐसे जब अपने डिस्प्ले को एक्सपेंड कर रहे होंगे तो उस समय जो भी चीज़ें आप अपने फ़ोन पर जो भी कंटेंट ट्राई कर रहे होंगे या फिर प्ले किए होंगे, उसमें एक थोड़ी सी भी बिना दिक्कत आए हुए मस्त ये अपने डिस्प्ले को इतनी ज़्यादा आसानी से एक्सपेंड करता है कि एकदम अलग ही तरह का सॉफ्टनेस और मस्त मज़ेदार वाला फीलिंग आता है, कि आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कितना ज़्यादा आराम से एकदम फोल्डेबल फ़ोन जिस तरह से मार्केट में आया, जितना ज़्यादा अच्छा से तरीके से वर्क किया, सेम उसी तरह से ये रोलेबल फ़ोन भी मार्केट में बहुत ही जल्द आने वाला है। तो दोस्तों देख रहे हो ना कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, क्योंकि जहाँ पे हमें कुछ टाइम पहले कुछ इस तरह के फ़ोन देखने को मिलते थे मार्केट पे, वहीं पे अभी हम एकदम मस्त एकदम ताज़ा फ्रेश एकदम रोलेबल फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं,
और जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगती है। पर फिर भी दोस्तों आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो, और ये रोलेबल फ़ोन का आपको पूरा फीचर और पूरा मैकेनिज्म आपको कैसा लगा, और क्या फ्यूचर में आप इसे परचेज करना चाहोगे या फिर नहीं, ये भी चीज़ें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो बस दोस्तों इतना ही था आज के इस वाले वीडियो में। होपफुली दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वाले वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, और हम आपसे मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वाले वीडियो में। टाटा।